ये निराश नहीं होना है और फिर अपनी तैयारी पर लग जाना है, क्योंकि अभी इस टाइम में कई स्टेट में अच्छी वैकेंसी आई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल आप अच्छे होंगे। एडंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है तो उन्होंने एक स्कूल व्याख्या था यानी वर्ग फर्स्ट का यहाँ पर एक एग्ज़ाम कराया था स्कूल लेक्चरर का, और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को उस रिजल्ट को जारी कर दिया है। तो आप उसके लिए मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल है इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर यहां पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023, तो यहां पर ये रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो ये विंडो आपके सामने आ रही है तो सबसे पहले आप ध्यान देना, इसमें आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है एप्लीकेशन नंबर फिल करना है यहाँ पर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक जो कॉलम है इसके अंदर फर्स्ट जो टू लेटर हैं वो तो आपकी मदर नेम के होंगे यानी आपकी जो मम्मी का जो नाम है उसके स्टार्टिंग के जो है टू लेटर यहाँ पर होंगे। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर कैलकुलेशन दे रखी है जैसे अभी यहाँ बताई गई है 22-5, तो उसका जो भी रिजल्ट है आपको इसमें फिल करना है, और जैसे आप सर्च करोगे तो आपको अपना रिजल्ट शो हो जाएगा। रिजल्ट में आपका जो स्कोर है कितना बन रहा है वो शो होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो बच्चे मेरिट में हैं उन मेरिट क्रमांक शो हो रहा है, और जिन बच्चों का वेटिंग में है तो उनकी वेटिंग वहाँ पर शो हो रही है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। देख लीजिए, अब अगर किन्हीं और बच्चों को चाहिए कि उनको कंप्लीट रिजल्ट देखना है कि कट ऑफ क्या रहता है, कितना गया है, किस कैटेगरी में, तो वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं 2023 का जो रिजल्ट है उसमें देख लीजिए, हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 20 तारीख को ये आया है। देख लीजिए यहाँ पर रिजल्ट नोट है, और उसके बाद कट ऑफ गैस फैकल्टी भी यहाँ पर दिया गया है, और जो नॉन गैस फैकल्टी है उसके लिए भी यहाँ पर शो हो रहा है। साथ ही जो बच्चे जिन सब्जेक्ट में टॉप 10 में आए हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर शो हो रही है। तो ये कंप्लीट डिटेल आप यहाँ इनकी MPPEB की ऑफिशियल साइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है और मेरिट में आए उन सबको बधाई हमारी एडंकल टीम की तरफ से और मेरी तरफ से, और जिन बच्चों का रह गया है कुछ थोड़ा सा तो उनके लिए निराश नहीं होना है और फिर अपनी तैयारी पर लग जाना है, क्योंकि अभी इस टाइम में कई स्टेट में अच्छी वैकेंसी आई हुई है। बिहार की बात करें हम, यूपी में होने वाली है, राजस्थान में भी होगी, DSSB की कई वैकेंसी ऐसी है जिनमें अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम बाकी हैं। तो जिनका नहीं हुआ है वो वापस से अपनी तैयारी में लग जाइए और कहीं ना कहीं इस सफलता को वापस प्राप्त कर लीजिए। साथ ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जितना भी अपडेट आता है वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।